अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। हाँ मेरा एक सवाल है, मतलब पर्सनल सवाल है। जी मैं जानना चाहता हूँ, जब हम एक काम करते हैं, जो कोई भी अच्छा काम ही मैं पकड़ लूँ, तो उसमें दो पॉसिबिलिटीज निकलता है। एक, मैं काम में पास हो जाऊँ, दूसरा मैं काम में फेल हो जाऊँ। अगर मैं पास हो गया तो उसमें कोई मतलब झंझट नहीं है, पर अगर मैं फेल हो गया तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज मतलब मेरे हिसाब से निकल रहा है। जो एक, अल्लाह चाहता है जे मैं उस काम के लिए अभी लायक नहीं हूँ, मैं और ज़्यादा मेहनत करूँ। और दूसरा हो सकता है जो अल्लाह जानता है जे अगर मैं उस काम के मतलब जाऊँ तो मैं फ्यूचर में मेरा बहुत बड़ा मतलब नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पे अगर मैं अगर फेल हो गया तो मैं कैसे पता लगूं जी मेरे लिए सही रास्ता कौन सा है? आपने जो सवाल किया है, दरअसल आपने दो लफ्जों के या दो कॉन्सेप्ट के दरमियान मिक्सअप किया है। बाय द वे, मेरी आवाज बगैर किसी परेशानी के आ रही है? शायद मुझे लग रहा है कि मेरा नेट स्लो हुआ है, नहीं नहीं या आ आ रही है, मेरे पास आ रही है? रही है। ठीक है, ठीक है। तो एक चीज है इल्लत, एक लफ्ज है इल्लत, जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में, हम उसको कॉज बोल दें, और एक है हिकमत, जिसको हम अंग्रेजी में विजडम बोलते हैं। तो मसलन आप अगर किसी काम में फेल हुए, तो उसकी ये हिकमत हो सकती है उस फेलियर की, कि अगर आप मसलन उस काम में कामयाब हो जाते तो आगे चलकर आपको कुछ नुकसान हो सकता था जो अब नहीं होगा। ठीक है, ये उसकी विजडम हो सकती है। लेकिन उसका जो सबब है, जो उसका कॉज है, वो दरअसल आपकी अपनी कोई ना कोई कमी या कोई रुकावट आपके रास्ते में। ठीक है, उसकी एक मिसाल ले लीजिए। वो मिसाल ये है कि आपने फ्लोर के ऊपर पानी बहाया, तो जब आपने फ्लोर पर पानी बहाया तो ये पानी बहाना फ्लोर को गीला करने का सबब है, राइट? इसको तो मानते हैं ना, इसमें कोई हाँ हाँ बोलिए। मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूं। लेकिन अगर आप उस पानी को बहाने के बाद सामने बैरियर खड़ा कर दें, तो अब फ्लोर गीला नहीं होगा, क्योंकि रास्ते में रुकावट आ गई है। तो कॉज होने के बावजूद भी इफेक्ट नहीं आया रुकावट की वजह से। तो ऐसे ही आपने अगर कोई मेहनत की है, कोई अचीव करना चाहा और आप उसको अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो हो सकता है कि या तो कॉज में कमी रह गई हो, या कोई रुकावट आ गई हो। वो रुकावट किसी दूसरे इंसान की तरफ से भी आ सकती है, और ये इंसान की अपनी फ्री विल है। लेकिन उसमें जो हिकमत है, वो ये हो सकती है कि अगर आप उस काम में कामयाब हो जाते तो हो सकता है कि आगे चलकर आपको नुकसान होता। तो हिकमत और इल्लत, विजडम और कॉज के दरमियान आप मिक्सअप ना करें। और मतलब मेरे बहुत से दोस्त हैं जो जीन टीन मतलब इस तरफ से मानते नहीं है। तो हमारे यहाँ पे एक चीज है, मैं क्या नहीं मानते, हाँ क्या नहीं मतलब मानते? वो जो मतलब वो नॉन मुस्लिम है तो वो इन सब में नहीं मानते। इन सब में नहीं जीन मानते? जीन ओके, जी, जीन जीन जिन में नहीं मानते? ओके हाँ ओके, जीन हाँ। जी जी तो मैंने सुना है, मैं मतलब सियोन नहीं हूँ, जो अगर सूरह जिन पढ़ा जाए मतलब एक इबादत टाइप का होता है, तो जिन को काबू किया जाए। तो मैं अगर उनको बोलूँ जे अगर तुम इसको पढ़ो तो यकीन कर लो, तो ये क्या होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं नहीं होगा। तो ये नहीं, ये कोई ऐसा सूरह जिन कुरान में है, उसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको पढ़ो तो खटाखट जिन आने शुरू हो जाएंगे। देखिए, ऐसी बहुत सारी मखलूक हैं जो हमें नजर नहीं आती हैं, जो हम जानते हैं, या ऐसी बहुत सारी मखलूक है जो हम नहीं जानते हैं। बात पूरी दुनिया जो है वो एलियंस के पीछे लगी हुई है कि एलियंस मिल जाए। और एक बहुत बड़ा तबका एलियंस के बारे में यकीन किए बैठा है कि है, लाइफ दूसरी जगह एग्जिस्ट करती है, लेकिन देखा नहीं है। तो भाई, एलियंस को मान रहे हैं, जिनको नहीं मान रहे हैं? तो जिनके बारे में भी तो ये ना कि हमने उनको देखा नहीं, कि लेकिन लाइफ है, एक दूसरी लाइफ है। तो लेकिन यहाँ साइंटिस्ट जो है वो डॉगमेटिक बन जाते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, साइंस से साबित करो तो मानेंगे, वरना नहीं मानेंगे, वरना ये हठधर्मी है। तो यही हमारा एतराज है सारा, कि आप खुद डॉगमेटिक है, दूसरों को कहते हैं डॉगमेटिक। आर्यन भाई, कुरान इस बात की दलील है कि जिन और एंजल्स एग्जिस्ट करते हैं, ये दलील है, और खुली दलील है। मैंने आपका एक वीडियो देखा था, वो लास्ट जमाने का प्रेडिक्शन, तो आपने वहाँ पे कहा था जे मतलब हमारा जो मलहमा जो युद्ध होगा उसके आगे मुस्लिम और जो क्रिश्चियन एक साथ लड़ेंगे। फिर मैंने ये मतलब ये
डॉक्टर इसरा था हमसे भी सुना था जे फिर ख्रिस्टान लोग मतलब हमको धोखा देंगे, तो मैं जानना चाहता हूँ जो वो कौन सा युद्ध होगा जहां पे हम दोनों मतलब एक साथ लड़ेंगे। मुझे नहीं मालूम, सिर्फ इतना है कि ऐसा होगा। वो कब होगा, वो कौन सा होगा, इसकी कोई लिमिटेशन या कोई तायीन, तरतीब, तहदीद या उसका कोई सेट कुछ नहीं है, कोई डेट नहीं है। ऐसा होगा, देखिए आखिरी जमाने की कयामत की अलामतों में से एक अलामत है। वो मैं कब एक होगा या क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जी अभी मतलब वर्ल्ड अफेयर आपको तो पता है, यूक्रेन का मामला आ रहा है, वहां पे भी सेम चीज हो सकती है। नहीं, देखिए इस तरह तो जंगें होती रहती हैं दुनिया में, ये कोई जरूरी नहीं है कि जरा। और हमारे कुछ, आपने देखा होगा, जरा कुछ जज्बाती किस्म के जो मुसलमान राइटर्स होते हैं ना, वो खट से या यूट्यूबर्स हैं, एकदम आएंगे, अरे यूक्रेन में मसला हो रहा है, उसका एकदम इस्लाम से लिंक करो। ये कोई तरीका नहीं है, दुनिया में बतेरी जंगें होती हैं, हर एक का कोई ताल्लुक इस्लाम से या कयामत से नहीं है। और जो पहले वाला जो मैंने क्वेश्चन किया था मतलब उसका अगर थोड़ा और एक्सप्लेन कर दे तो अच्छा होता। वो जो मैं अब क्या करूं मतलब, अब क्या था ना पहले जो क्या था, जो अगर फेल हो जाऊं, अगर हाँ, फेल तो हो जाऊं। आप फेल हो जाएं तो आप कोशिश करते रहिए हो, आप ये देखें कि कमी कहाँ रह गई है। अगर कमी कहीं रह गई है तो उस कमी को दूर कीजिए, और अगर कमी नहीं है तो आप देखें कोई रुकावट तो नहीं है, तो रुकावट को दूर कीजिए। और अगर रुकावट आपने दूर कर दी और उसके बाद कमी भी आपकी मेहनत में नहीं है, तो इंशाल्लाह जो आप चाह रहे हैं वो होगा। चूंकि अल्लाह ताला ने ये निजाम इसी तरीके से बनाया, वो उसी तरीके से चलेगा। जब आप कॉज को इख्तियार करेंगे सक्सेसफुली, तो इफेक्ट होगा। और जिनका मामला ऐसा नहीं हो सकता था, वो मैं जवाब दे चुका हूं, आप कितनी मरतबा सूरज जिन पड़े नहीं आएगा सामने। वो आपको किसने ठीक है बता ठीक दिया? चले ठीक है, है। ओके। मतलब हमारे यहाँ पे मतलब वो बहुत चलता है, जाकर परो तो ये होता है, जीन आता है ये वो, कुछ नहीं कुछ इसलिए नहीं कुछ मैंने नहीं, आपको इन शायद चीजों में मत क्वेश्चन किया। पड़िए, इन चीजों में मत पड़िए। शुक्रिया।